इस निश्चित में स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी साथी हजरात और हाजरीन। ये बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू के हवाले से सहाफियों की एक तंजीम बनी है। तंजीम के जो तंजीमी उमूर है उस पर तो तंजीम के जो जिम्मेदार अहमद है वो बात करेंगे। मैं दो तीन बातें गुजार करना चाहूंगा। वो ये कि जो तंजीम से जुड़े रहने के बावजूद सहाफी हजरात अपनी जाती प्रोफेशनल तरक्की को कैसे यकीनी बना सकते हैं? क्या उर्दू का सहाफी महदूद वसायल, कम तनख्वाह और सिर्फ एक्रेडिटेशन के सहारे कुछ कर सकता है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना होगा। हुकूमत से जो मिराद मिलती है, जितनी मिराद मिलती है, उसके लिए लड़ाई करना तंजीम के जिम्मेदारों का काम है। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से पिछले मुख्तसर से अरसे के दौरान तंजीम उभर कर सामने आई है, काम कर रही है, वो इन मसाइल का भी हल ढूंढ निकालेगी। लेकिन क्या हम सारे काम तंजीम के सहारे छोड़कर बैठे या अपनी जात से हम क्या कर सकते हैं वो गौर करें? एक चीज जिसका मैं मशवरा देना चाहूंगा वो ये कि जो रिपोर्टर हजरात हैं उनके मुताबिक भी शिकायत आती है। हम भी जब रिपोर्टिंग में थे तो हमारे मुताबिक भी शिकायत थी कि जो रिपोर्टर होता है वो आवाम को छोड़कर खवास के पीछे दौड़ता रहता है। शिकायत होती है, रिपोर्टर पर इल्जाम लगता है कि रिपोर्टर जहां से उसको कुछ बनता है वहीं की वो खबर देता है। रिपोर्टर पर इल्जाम होता है कि ये जब कुछ बना लेता है तो उसी की खबर भी बनाता है। ये इल्जाम है, इन इल्जाम का हम कैसे सामना करेंगे और कैसे शख्सी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, दुनिया में जितनी सहाफत है, जितने जबानों की सहाफत है, हमारे मुल्क में जितनी जबानें हैं और जितनी जबानों की सहाफत है, उनसे मसाइल भी जुड़े हुए हैं और उनसे शिकायत भी जुड़ी हुई है। एक जो बड़ा नुक्ते नजर कहा जाता है कि क्या हम आखिरी उर्दू सहाफी किसी के मरहून मिन्नत हैं कि अगर उनकी नजर कर्म हमसे हट जाए तो हम कुछ नहीं? हम जब तक कि अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक आगे बढ़ने का सफर हम नहीं कर सकते। और खास तौर पर उर्दू सहाफियों के लिए उनका अपना मीडिया, उनका अपना अखबार जो फेसबुक की शक्ल में आया है, क्या हम उसका मौसर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इसके जरिए से क्या कर सकते हैं? क्या इसके जरिए से कुछ बन सकता है? हाँ, इसके जरिए से उर्दू सहाफी भी कुछ बना सकता है, अपनी शनाख्त बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। क्या हमने इस तरह की कोशिश की कि हम जिस किसी इलाके के रिपोर्टर हैं उसकी रिपोर्टें हम अपने फेसबुक पेज के जरिए से अपडेट कर रहे हैं? फिर चाहे वो खबर लोगों तक इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो खबर हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। क्या हमने अपनी सलाहियतों को निखारा है कि जिस दिन हम जिस किसी तंजीम, जिस किसी इदारे से काम कर रहे हैं, क्या हम वहां से रुख्सत लेकर कहीं दूसरी बेहतर जगह की तलाश कर सकते हैं? उसके लिए दो तीन चीजें करना होगा। हमें मुसलसल हमारी अपनी कमियां क्या है उसको जानकर उस पर हम कैसे उबूर हासिल कर सकते हैं उस हवाले से मुसलसल मेहनत करनी होगी। और देखिए, सरकार की जो स्कीमात है इन स्कीमात से हमारी सलाहियतों में इजाफा होने वाला है। सरकार की स्कीम से कोई एक प्रोग्राम से हमें जज्वाती तौर पर तो फायदा हो सकता है तवील मुद्दत में, जब तक हम अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों को निखारेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा साल 2014 की। ये खबर यूरोप में भी काफी गश्त हुई थी, काफी फैली थी। खबर ये थी कि किसी एक
शख्स ने अपने मोबाइल फोन से एक हरी बिल्ली की खबर तस्वीर के साथ अपने फेसबुक पर पेश की। उसमें ये बताया गया कि बल्गारिया की सड़कों पर एक बिल्ली हरे रंग की है, घूम रही है। तो वहां के जितने अखबार आते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने भी उसका कवरेज कर लिया कि बल्गारिया की सड़कों पर एक हरी बिल्ली आवारा फिर रही है। बाद में उस खबर को जिन लोगों ने बिल्ली पर रिसर्च की, उन्होंने उसका मुताबिया किया और ये बताया कि बिल्लियों की तारीफ पर जब हम नजर डालते हैं तो हरी रंग की बिल्ली ना जंगलात में मिलती है ना शहरी इलाकों में मिलती है, लेकिन ये हरी बिल्ली बल्गारिया की सड़कों पर गश्त कर रही है। फिर उसके बाद कुछ नौजवान उस बिल्ली के पीछे पड़े कि आखिर इस हरी बिल्ली का राज क्या है। रिपोर्टर्स क्या किए, बस बिल्ली है और उसमें वो वाला वर्जन भी उसमें डाल दिए कि भाई जो बिल्ली के मुताले माहिराना मालूम रखते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई आज तक की तारीख में हरे कलर की कोई बिल्ली नहीं है, लेकिन ये फिर बिल्ली एक मामला है, खबर यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन चंद नौजवान उस बिल्ली के पीछे रहते हैं। आप देखिए, ये यूरोप के कुल बल्गारिया की खबर है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, इसके मुताबिक आपको भी जो वो खबर मिल जाएगी। जब वो नौजवान उस बिल्ली के साथ कोशिश करते हैं कि उसको देखें कहाँ वो रहती है, कहाँ पर वो जाती है और इसके हरे रंग का राज क्या है, तो बहुत मामूली सी मेहनत थी जो यूरोप का रिपोर्टर भी नहीं कर सका। चंद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वो काम किया और फिर वो पूरी खबर बनी। वह ये कि बिल्ली जहाँ रहती थी वहां पर ये नौजवान पहुंचे उसके साथ